ये जी हन्ना लेक, वेलकम टू हन्ना लेक। आप रेत देखनी है जाके तो जाके देख सकते हैं। जो है वो है बाइक से भेजा नमाल दा की है। यहाँ पे है पूरा क्वेटा। आज हम खाएंगे क्वेटा की लंबी रोटी। ये है हन्ना लेक। अब आज की रात क्वेटा के नाम। और अभी हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लेवल लिखा हुआ है भाई। आ रहा हूँ कैमरे में, पाकिस्तान का झंडा भी लगा हुआ है। मतलब पाकिस्तानी अवाम अच्छी खासी मतलब टैलेंटेड है भाई। ऐसे तिरछे पहाड़ जहाँ जाना मुमकिन नहीं है, पता नहीं कैसे गए होंगे यार। बहरहाल जो है वो है वंडरफुल पहाड़। अब हम चल रहे हैं हन्ना लेक। ये सेबों के बागात है भाई, ये खुबानी है, ये जो वाइट दरख्त है। ओ तेरी, ओ गई मेरी टोपी। चलो चलो चलो, क्वेटा के बागात भाई। यहाँ पे आने का मज़ा है समर्स में। समर्स में बंदा आए यहाँ पे मौसम, यहाँ पे फल पकता है और वो बंदा खा सकता है। चलें जी हन्ना लेक। अब इशारे खुश चीज़ को क्या देखना है। वेलकम टू हन्ना लेक। बस ठीक है, शुक्रिया। ये जी हन्ना लेक, वेलकम टू हन्ना लेक। मोटरसाइकिल के 20 रुपये और ये सारे मुफ्त के पैसे हैं भाई। अंदर जाकर आप रेत देखनी है जाके तो जाके देख सकते हैं। वैसे इसमें ऐसा कोई मज़े की चीज़ है नहीं। एनीवेज दोबारा से रीसेट करें। मैं भी रीसेट कर रहा हूँ, रीसेट कर दिया। ओ भाई जान, अभी हम आ चुके हैं सराहोट की और यहाँ पर हम सनसेट इन्जॉय करेंगे। पीछे हमारे हैं पानी, यहाँ हमारे हैं बाइक साबिर भाई और मोहित भाई और अजहर भाई, तैयब भाई, नमाज भाई। नमाज यहाँ पे, नमाज का मज़ा क्या होगा। नमाज पढ़ते फिर मिलते हैं। सुना था अल्लाह ही देगा, मौला ही देगा, तो मांगा भी तुझसे, झुका भी तेरे आगे, मैं न फैलाया हाथ कहीं। सुना था अल्लाह ही देगा, मौला ही देगा, तो मांगा भी तुझसे, झुका भी तेरे आगे, मैं न फैलाया हाथ कहीं। अब ये जग कहे है तू है। हमने नमाज पढ़ ली है और ऐसी जगह पे नमाज और ये पिकनिक पॉइंट है भाई, एक नंबर का पिकनिक पॉइंट है। क्वेटा वालों के तो मज़े हैं भाई। यहाँ पे इतनी प्यारी और इतना सुकून है यहाँ पे ना। हमें बाइक लेके आए, हमने कहा सनसेट देखेंगे और नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ ली है माशाल्लाह भाई। क्वेटा इज़ लव, क्योंकि क्वेटा घूमने के लिए आपके पास अच्छा खासा टाइम चाहिए जो हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा टाइम हमारे जो चक्कर हुए हैं उधर निकल गया। और ऑल थैंक्स टू साबिर भाई, अजहर भाई, हाशिम भाई, जिन्होंने मतलब अपनी दिन रात हमारे साथ लगा दिए हैं। यार दुनिया में हर इंसान के पास सबसे कीमती चीज़ है वो ये टाइम। जो ये टाइम इन्होंने दिया ना तीनों ने, मल्टीप्लाई बाय 3 यार, हम कभी नहीं भूलेंगे यार। जब भी बलूचिस्तान का एक्सपीरियंस किया है ना यार, मतलब स्पीचलेस हो जाता हूँ मैं। एनीवेज यार, जो है वो है। आप आएँ बलूचिस्तान विज़िट करें, उसके बाद बताएं कैसा है बलूचिस्तान। अगर आपने बलूचिस्तान का विज़िट किया है और आपको एक्सपीरियंस हुआ है बलूचिस्तान का लोकल लोगों के साथ, लोकल फूड, लोकल मतलब कोई भी चीज़ बलूचिस्तान की, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बस अभी हम यहाँ पे, हवा चल रही है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मेरी वॉइस, बस अब चलते हैं वापस। गूगल मैंने चार्ज पर लगाया था, आई होप कि चार्ज हो चुका हो। अब ये जग कहे कल यार, यहाँ पे हमने नमाज़ पढ़ ली, असर और मगरिब की नमाज़ पढ़ ली है। यहाँ पे पीछे हमारे बाइक्स खड़े हैं, आगे हम खड़े हैं और आगे इमाम, इमाम के पीछे हम और हमारे पीछे बाइक्स। बाइक्स ने भेजा नमाज़ अदा की है। यहाँ पे है पूरा क्वेटा। अगर हमारा कैमरा ज़रा इंसाफ करे लाइट के साथ, तो वहाँ पूरे कैमरे पूरे क्वेटा की लाइट जल रही है। और ये हम यहाँ पे हमारे बैग पे लेक है, ये है हन्ना लेक। अब समझ लेंगे, क्योंकि जो हन्ना लेक है उसमें पानी है नहीं, तो इस जगह का कुछ नाम था वो हाशिम भाई ने बताया था। एनीवेज आपकी बाइक रेडी 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 चल रेडी रेडी रेडी
बात कर रहा है ये अभी वापस रेट बदल दबा के ये कौन सी जगह है जॉइंट रोड के समोसे और चाय अजहर भाई कल हमने पी थी गोबर होटल की चाय कल जब अब मुझसे कोई बंदा पूछेगा कि भाई कहाँ कहाँ गए हो तो मैं बताऊंगा भाई ग्वादर कश्मीर हर चीज़ की है जब वो बोलेगा ना क्वेटा गए हो मैं बोलूँगा हाँ जी मैं गया हूँ ये देखें ये सबूत है आई लव क्वेटा फाइनली आई एम इन क्वेटा ये ऑफिशियली मैं आ चुका हूँ आई लव क्वेटा क्वेटा दिस इज लव द सिटी ऑफ ब्यूटीफुल लैंड माशाल्लाह आई एम इन क्वेटा भाई लोग खड़े हैं उधर बाइक पे ये आज की रात क्वेटा के नाम और अभी हम आए हैं अजहर भाई की शॉप है यहाँ से हम खाएंगे पान मसाला फोटो आ गया भाई आपको ओके हो गया चॉकलेट फ्लेवर है चॉकलेट फ्लेवर डाला है काजू है काजू भी डाला है वाह जी वाह ये तो ड्राई फ्रूट ला पा रहे आज हम खाएंगे क्वेटा की लंबी रोटी लंबी रोटी खाएं क्वेटा की तुमको पहले बताओ फिर अल्लाह जी खैर दे इसी तकलीफ के साथ मैं किधर खानुजीत क्रास तक मैं पहुंचा 11:51 हो गए और मतलब 12 बज गए खाना खा लिया सर कुछ कर लिया अभी बिस्तर लग गए हमारे सो रहे हैं अब ये था व्लॉग ये थी वीडियो अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा शेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक बोलते रहा करेंगे टेक केयर नहीं ऐसी जो कह दे तुझे तेरी तकदीर नहीं अगर हुई तेरी हार तो मान ले ये बात बंदा तू ही जिम्मेदार कोई और नहीं सड़ा होड़की भाई जान आपके नाम मेरे भूल गया मोहम्मद अजहर तो भाई स्पीचलेस हो जाता हूं मैं आज चलो अपनी तू था ना अपना बना एवे गड्डियां च घूम के तू जिंदना गवा